भारत को आईईसी और एसएमबी में मिला प्रतिनिधित्व, भारत को मिली सामरिक प्रबंधन बोर्ड की चेयरमैनशिप, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, राज्यपाल जगदीश मुखी के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। लचित बरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं और विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। दिल्ली में आम बजट को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों से मंथन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ली बैठक। सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। अहमद पटेल की दूसरी पुण्यतिथि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमद भाई को किया याद, कहा अहमद पटेल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, हमने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया। अपनी सभी भूमिकाओं में उन्होंने लोगों और पार्टी के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा। ममता बनर्जी ने G20 समिट की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में हिस्सेदारी के लिए 5 दिसंबर को जाएंगी नई दिल्ली। इस बैठक में देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया इतिहास, इतिहास को सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिक्षक संघ अंबेडकर के शैक्षिक सम्मेलन में शिरकत, कहा समाज के उत्थान में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण, अंबेडकर ने समाज को संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया था। 4 दिसंबर को कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आईसीसी में होगी बैठक। सीडब्ल्यूसी भंग होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी का हुआ था गठन, गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मनोज तिवारी पर हमला, कहा मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी, जिससे साफ होता है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और मामले में एफआईआर कराएंगे। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा झूठे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संदीप ने की आत्महत्या, आम आदमी पार्टी ने संदीप को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, संदीप भारद्वाज केस की न्यायिक जांच हो। एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीति जारी, बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा एक दिन के लिए सीबीआई ईडी मुझे सौंप दो, आधी बीजेपी जेल में होगी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा की शुरुआत खरगोन जिले के खेरदा गांव से हुई, प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, यूपी के 3 और महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में बनाए गए पुलिस कमिश्नर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल बाद भारत सरकार या उसके उपक्रमों की गाड़ियां हटानी होंगी, ऐसी गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। उन्होंने कहा भारत सरकार ने नीति सभी राज्यों को भेजी है, राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। जम्मू के रामबन में एक बस से संदिग्ध पैकेट मिले, बस डोडा से रामबन जा रही थी, नाके पर चेकिंग के दौरान बस से संदिग्ध पैकेट मिलने की खबर है, तो वहीं संदिग्ध पैकेट में आईईडी होने का शक भी जताया गया है। पैकेट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 आरोपी दबोचे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग, भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 100 दुकानों में लगी आग, आग की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या का मामला, श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्तों के बयान दर्ज, साकेत कोर्ट में 2 दोस्तों के बयान दर्ज, दोस्तों ने बताया श्रद्धा को पीटता था आफ्ताब, हत्या की धमकी देता था आफ्ताब। आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के पहले दिन की जानकारी आई सामने, आरोपी आफ्ताब ने फिल्म देखने के सवाल पर कहा कि दृश्यम फिल्म देखी है, दृश्यम 2 भी आ गई है। आफ्ताब ने अधिकतर सवालों के जवाब एक लाइन में दिए। अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अमिताभ की आवाज, नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगाई, बिना अनुमति आवाज, नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगाई। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है राणा कपूर। भगोड़े जाकिर नाइक के कतर फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचने पर भारत ने लगाई लताड़, जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण और आतंकी गतिविधियां चलाने का आरोपी है, भारत से चल रहा है ये फरार। कतर ने भारत को जानकारी दी कि जाकिर नाइक को फीफा फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया।
भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन, राहुल गांधी के साथ पैदल चले बॉक्सर विजेंद्र। राहुल ने किया ट्वीट, मूछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे, जोशीले कदम। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन में एशियाई अमीरों की लिस्ट में हुई शामिल। एशियाई अमीरों की सूची में हिंदुजा फैमिली को टॉप पर रखा गया है। वहीं 790 मिलियन पाउंड की अनुमानित संपत्ति के साथ पीएम ऋषि और उनकी पत्नी लिस्ट में 17वें नंबर पर। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 23 अक्टूबर को युवक पर चाकू से हमला करके वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं। दौसा के महुआ में चोरों ने सुने मकान को बनाया निशाना। चोरों ने जेवरात सहित करीब 90,000 रुपए पार किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। तो वहीं महुआ शहर स्थित मम्मू कॉलोनी की पूरी घटना। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक। श्री सिरे मंदिर प्रांगण में 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महारुद्र यज्ञ और श्री शांतिनाथ महाराज के तृतीय भंडारा महोत्सव को लेकर हुई चर्चा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जालौर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यशाला पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई। जालौर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ललित कुमार मेवाड़ा ने भीलमाल और बागोड़ा तहसील में संचालित रजिस्टर्ड मदरसों का निरीक्षण किया। उन्होंने मदरसों में शिक्षण व्यवस्था और प्राथमिक सुविधाओं की जांच की, साथ ही पैरा टीचर उपस्थिति रजिस्टर की जांच भी की। जालौर में 17 साल से ज्यादा की उम्र के विद्यार्थियों के मतदाता सूची में नाम जोड़ जाने का काम संबंधित बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान जिले के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। जालौर की भीनमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। भीनमाल थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने कार्रवाई करते हुए नकबजन आरोपी महिला टीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। महिला ने 2 वारदातों को करना कबूला। जालौर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में जियो टावर के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी से पूछताछ जारी है। जालौर में महारुद्र यज्ञ और श्री शांतिनाथ महाराज के तृतीय भंडारा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। श्री सिरे मंदिर प्रांगण में 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा ये महोत्सव। जालौर बीजेपी मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजन किया गया। मंडल कार्य समिति में मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य रविंद्र सिंह बालावत उपस्थित रहे। अलवर के बांसूर में मत्स्य उत्सव के तहत प्राचीन किले पर रॉक बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने। फतेहपुर में सामाजिक समरसता समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं की अनुपस्थिति देख बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा ने कहा कि मातृशक्ति बिना समाज अधूरा है, जिसके बाद वाल्मीकि समाज की महिलाओं का भोज का आयोजन किया गया। सिरोही में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज में नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भंवरलाल, उपखंड अधिकारी नरेश सोनी, तहसीलदार निर्जा कुमारी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बूंदी जिले में बाल हितेशी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पंचायत समिति हिंडोली के भ्रमण पर रथ को रवाना किया गया। हिंडोली पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में रथ भ्रमण करेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में प्रवेश पर बाल हितेशी रथ का स्वागत किया। धौलपुर में 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। बालिका कबड्डी फाइनल मैच में 17 साल में अलवर और 19 साल में नागौर ने चैंपियनशिप जीती। समापन समारोह समाज सेविका तरुणा मिश्रा और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। टॉक में नेशनल हाईवे 52 रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बिसलपुर पाइपलाइन के लीकेज से हुआ पानी इकट्ठा होने से किसान की फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं खेत के चारों तरफ पानी भरने से एक बार की बुआई करने वाली फसल खराब हुई है। पीड़ित किसान ने कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के कामा में यूपी पुलिस की बड़ी दबिश। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन बरामद की। यूपी गोवर्धन सिंह और राममोहन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम आई थी। यूपी पुलिस ने बरामद किए गए सामान को लेकर रवानगी दिखाई। टॉक में जगतगुरु दादू पीठाधीश्वर नरेना धाम गोपालदास महाराज महंत गोवर्धन दास का निवाई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान महाराज दादू पालका भरेना धाम महंत लक्ष्मण दास महंत राम झलून दास भी मौजूद रहे। दादूपंथी समाज के सैकड़ों सामाजिक लोगों और भक्तों ने उनका स्वागत किया। बीकानेर में आशा देवी केशरी चंद गोलछा चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वी रहे। भामाशाह केशरी चंद गोलछा
और अपनाघर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज भी मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर पृथ्वी ने राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को उपयोगी बताया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए की शराब बरामद की। पुलिस ने तस्करी के काम में लिए जा रहे ट्रक को जब्त किया और दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया। ट्रक से 764 कार्टून अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की। पाली में बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद पर टिप्पणी के बाद मेवाड़ा समाज में भी रोष है। मेवाड़ा समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य मंत्री मीणा के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मांग की। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर यातायात व्यवस्था का एसडीएम राकेश मीणा और सीओ दीपक कुमार ने निरीक्षण किया। पुलिस ने गीजगढ़ सड़क मार्ग से हटाए अतिक्रमण का जायजा लिया। भगवान महावीर महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2022 को लेकर बड़ी तैयारी। बूंदी में छात्राओं ने दिखाई ईमानदारी। छात्राओं ने मेले में मिले पर्स पुलिस को सौंपे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ईमानदारी पेश करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने प्रशस्ति पत्र देकर छात्राओं का सम्मान किया। गुजरात चुनाव में पूरी क्षमता से चुनाव प्रचार कर रही राजसमंद सांसद दिया कुमारी। तो वहीं गुजरात के गांधीनगर उत्तर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रीटाबेन पटेल की जीत को लेकर वो चुनाव प्रचार कर रही है। क्षेत्र में जाकर वोट करने की अपील कर रही है। झालावाड़ में बीजेपी मंडल मनोहर थाना और घड़ावली की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान जन आक्रोश रैली पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के जैतसर में एक घर में पड़ी पराली में आग लग गई। आग से 3 ट्रोली पराली जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पशुओं को खिलाने के लिए इकट्ठा की गई थी ये पराली। अलवर के राजगढ़ में मत्स्य उत्सव के तहत विधायक जोरीलाल मीणा और एसडीएम अनिल सिंघल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली माचाड़ी कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। सीकर में बाल हितैषी पंचायत अभियान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुरेश कुमार ने ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान के रथ को रवाना किया। अलवर में मत्स्य उत्सव के तहत कंपनी बाग में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ अलवर में मत्स्य उत्सव का आगाज किया गया। ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। अलवर की कोली कॉलोनी में पीने के पानी की कमी से परेशान दिखे वार्डवासी। वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर से सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। वार्डवासियों ने कहा कि प्रशासन गरीब बस्ती में पानी की सुविधा कराने में पूरी तरीके से विफल है। अलवर में बाखेड़ा में कोर्ट के आदेश के बाद वकील राजेश गुप्ता के घर जाने का रास्ता खुलवाया गया। जुबेर खान ने कॉलोनी के रास्ते पर जबरन कब्जा करने के लिए पत्थर डाला था। बांसुर में मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। लोगों ने बढ़कर निभाई भागीदारी। बांसुर फोर्ट में सांस्कृतिक और रॉक बैंड कार्यक्रम का आगाज किया गया। कोटा के पुरानी सब्जी मंडी के एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नगर निगम के डिप्टी मेयर सोनू कुरेशी भी मौके पर पहुंचे। आग से गोदाम में रखा 10 से 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नागौर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में किया गया बैठक का आयोजन। विभिन्न योजनाओं पर की गई चर्चा। जिला निर्वाचन कार्यालय नागौर का किया गया निरीक्षण। नागौर की कोतवाली पुलिस ने 8 ग्राम अवैध स्मैक और 33,890 रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ये चलाया जा रहा है अभियान। आरोपी से पूछताछ जारी। धौलपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक साधु की मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। धौलपुर के खानपुर गांव के पास बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मां की हालत गंभीर है तो वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हुआ। जयपुर में राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए जयपुर बालक और बालिका टीम की घोषणा की गई। टोंक के बालापुरा गांव में विवाहिता ने 15 महीने के बच्चे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने भी आत्महत्या की आशंका जताई है। तो वही मामले की जांच की जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी से शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा धौलपुर के बाड़ी कस्बे में पहुंची। यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। धर्मशाला पर एक आम सभा का भी आयोजन हुआ। तो वहीं यात्रा का 7 जनवरी को जोधपुर में समापन होगा। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने जूडो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सरपंच और प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया।
झालावाड़ में मनोहर थाना क्षेत्र के रिछड़ी गांव में मोटर चुराते पकड़ा गया आरोपी। ग्रामीणों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है अज्ञात चोर। अलवर के भिवाड़ी से मिला अज्ञात युवक का शव। बाबा मोहन राम काली खोली के पीछे से मिला शव। युवक की नहीं हो पाई पहचान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर के भणियाणा में 3 महीने से नहीं आ रहा पीने का पानी। ग्रामीणों को महंगे टैंकर से खरीदकर पीना पड़ रहा है पानी। ग्रामीणों ने जल्द पानी सप्लाई की मांग की। झुंझुनू में मुकुंदगढ़ पुलिस ने लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने लूट के लिए बनाई थी गैंग। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पाली के सुमेरपुर में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस समेत कई समाजसेवी मौके पर पहुंचे। सुमेरपुर स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड रोड का पूरा मामला। डिडवाना के रेलवे स्टेशन पर चोरों ने दुकानों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। चोरों ने मोबाइल और परचून की दुकानों को बनाया निशाना। सीसीटीवी खंगाले जाने के बाद 3 संदिग्ध युवक आए नजर। जांच में पुलिस जुटी हुई है। धौलपुर के पहाड़ी गांव में 2 पक्षों में चली लाठी और कुल्हाड़ी। 2 पक्षों की मारपीट में करीब 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खेत में खंभा लगाने को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। डिडवाना के मोलासर थाना का पूरा मामला है। अलकपुरा गांव से 8 महीने पूर्व अपहरण मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में नहर में पर्याप्त सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान। किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए समृद्धि और सद्बुद्धि यज्ञ किया। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने के कारण किसान फसल बुआई से भी वंचित हैं। नागौर से अजमेर वाले राजमार्ग के बाईपास पर एक लॉज में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आग से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। उदयपुर में भारत निर्वाचन आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। कलेक्टर ने स्कूल्स के प्रधानों से 17+ युवाओं के नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन जोड़ने की अपील की। जयपुर के चोमू में एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इंदिरा रसोई में साफ सफाई नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। रसोई में एसडीएम को मिली कई कमी और कई खामियां तो लोगों को नहीं दिए जा रहे थे 8 रुपए के टोकन। 3 दिन में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का प्रदर्शन। पटवार संघ के साथ हुए 7 सूत्रीय समझौते को लागू करने की मांग रखी। संघ के जिलाध्यक्ष उत्साह सिंह के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई। जयपुर के रेनवाल में बिजली समस्या को लेकर किसानों ने दिया धरना। भैंस लाना जीएसएस पर किसानों ने दिया धरना। रात की बजाय दिन में 3 फेज बिजली सप्लाई की मांग। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने खंडेलवाल ब्रदर्स पुस्तक की दुकान के ताले तोड़कर 5,000 रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के राजगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में देश की सांझी संस्कृति की झलक देखने को मिली। कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। ब्यावर में जोधपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रामेश्वर दादीज की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो पैदल यात्रा ने शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली के साथ पैदल यात्रा की अनुवानी की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में लापता युवती का शव कुएं से मिला। 22 नवंबर को युवती घर से लापता हो गई थी। पूजा घर से लापता हो गई थी तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने परिजनों को शव सुपुर्द किया। झुंझुनू के खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर कॉलेज प्रशासन सख्त है। कॉलेज प्रशासन ने बिना आईडी के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाई है। इस दौरान बिना आईडी के आए कई युवकों को वापस लौटना पड़ा। बूंदी के केशवराय पाटन में सड़क हादसे में 3रे गंभीर युवक की भी मौत हो गई। युवक ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई। अजमेर के ब्यावर में प्रजापति समाज ने छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग की। प्रजापति समाज ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। समाज पदाधिकारियों ने एसडीएम का साफा माला पहनाकर स्वागत भी किया। अजमेर के ब्यावर में रसमय संकीर्तन का आयोजन किया गया। भजन गायक विनोद अग्रवाल के शिष्य रवीश मिश्रा और अयोध्या के राजू सोनी ने सूफी अंदाज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजनों की प्रस्तुतियां दी। हनुमानगढ़ में नहर में पर्याप्त सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान। किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने के कारण किसान फसल बिजाई से भी वंचित है।
झुंझुनू में कोकू हम हेल्पर संघर्ष समिति ने मासिक मानदेय बढ़ाने और सीधे बैंक खाते में जमा करवाने की मांग की। सामूहिक दुर्घटना बीमा, हेल्पर कुकिंग, पोशाक, सरकारी छुट्टियों का मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के पूरा गांव में पुराने खेत और अतिक्रमण को लेकर चल रहे पुराने विवाद में दो पक्षों में मारपीट, मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों में खेत को लेकर चल रहा था विवाद। अजमेर के सावर में धूनी माता मंदिर में भारतीय संस्कृति और भाईचारे की अनूठी छटा देखने को मिली। संत शिरोमणि पन्नानाथ के आदेश के अनुसार ही गांव के सभी परिवार मंगसर सुदी दूज के दिन राशन सामग्री लेकर तपोभूमि पर पहुंचते हैं और जात पात को भूलकर चूरमा बाटी बनाकर धूनी के स्थान पर भोग लगाते हैं। डूंगरपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बेटियों ने कलेक्टर और एसपी कॉप में सपने और रुचियों के बारे में बताया। वहीं दोनों अधिकारियों ने बेटियों को सफलता के मंत्र बताए। सिरोही के शिवगंज में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी का हुआ सम्मान। नगर पालिका अध्यक्ष और स्टाफ के लोगों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए उपखंड अधिकारी ने सभी पार्षदों से चिरंजीवी योजना का विस्तार से समझाते हुए कहा कि शहर में प्रत्येक वार्ड में सूची बनाकर जानकारी ले। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्री गोकृपा कथा महोत्सव के तहत हुआ आयोजन। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक डॉक्टर ओम मुंडेल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। जयपुर के बस्सी में श्याम मंदिर में पाटोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पाटोत्सव कार्यक्रम के दौरान निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। 1100 महिलाओं ने निकाली मंगल कलश यात्रा। उदयपुर के गोगुंदा में युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कुछ दिन पहले ही पीहर से ससुराल आई थी युवती। डिडवाना के चंडालिया में एक कमरे में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद के ओडा ग्राम पंचायत में 11 केवी लाइन का विद्युत तार 11 बैलगाड़ी मक्का की फसल पर गिरा, जिसके चलते हजारों की फसल जलकर खाक हो गई। लोगों ने बिजली निगम के कर्मचारियों को सूचना देकर बिजली बंद करवाई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। नागौर के डेगाना में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में सुप्रीम फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुप्रीम फाउंडेशन के प्रधान तस्की भामाशाह सेठ बजरंगलाल तापड़िया के 89वें जन्मदिन पर हुआ आयोजन। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।